टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले 6.2 सॉरी, इसके पहले मैंने आपको 6.2 एक्सरसाइज में ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, उसके जो एंगल्स ड्रॉ होते हैं उन सबको एक्सप्लेन किया था। उसी पर बेस जारी है, सब करेंगे। और मैंने आपको बोला भी था कि आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है और शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी को सी डी के पैरेलल भी शो करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम किसी लाइन को पैरेलल शो करना है तो उसके कोई से भी एंगल्स, जैसे अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपको क्या बताने पड़ेंगे, इक्वल बताने पड़ेंगे। अगर आप इनको इक्वल बता देते तो लाइन्स क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन, ये डायसिंगर्स आपकी बुक में बना हुआ है। सबसे पहले आप देखिए ये जो लाइन्स आपकी बनी हुई आपकी बुक में इस टाइप से, ये ड्रॉ फिगर, ये जो लाइन है ये क्या बना रही है आपकी, लीनियर पेयर 50+8। ये क्या बना रहा है आपका, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के सम हम पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि एक्स प्लस 50, ये इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लीनियर पेयर किस टाइप से ड्रॉ होता है, इज इक्वल टू 180। तो ये क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर बन रहा है। एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर एक्सोन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50। 180 में से 50 माइनस हो गए तो कितने हो जाएंगे आपके, 140। तो ये हमें एक्स की वैल्यू तो फाइंड करें। ओके, अब ये जो है एंगल क्या बना रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन में आप क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको कंसेप्ट साइड में लिखना है कि किसके थ्रू हमने इसको लाया है एंगल फाइंड आउट किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली आपको वाई इक्वल टू 130 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा वाई की वैल्यू 120 की, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये लिखिए अब एक्स की वैल्यू 130 है, वाई की वैल्यू भी 130 है, तो एक्स और वाई दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए आप अल्टरनेट ये इंटीरियर मतलब अंदर तो है, और अल्टरनेट कैसे क्रॉस में बन रहे एक्स और वाई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप रीजन में क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एक्स एंड वाई आर करस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग
टू 3:7 आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसमें लाइनें आपकी कितनी हो गई, 3 पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन ड्रॉ करी उन्होंने, ए बी सी डी ई एफ, ये 3 लाइंस ड्रॉ करी है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर आपका एंगल एक्स बन रहा है, यहाँ आपका एंगल वाई बन रहा है और यहाँ आपका एंगल जेड बन रहा है। बहुत ही सिंपल समय, सबसे पहले उन्होंने क्या गिवन किया, ए बी और सी डी दोनों कैसे पैरेलल है, और सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, मतलब सभी लाइन से आपको उन्होंने क्या दे दी, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू आप इसमें जो भी कंसेप्ट है हम उसको बता सकते हैं कि इसमें इंटीरियर एंगल से या करस्पोंडिंग एंगल से सब एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, जैसे ये एंगल एक्स है, ये वाला यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स। क्या पॉइंट मान लिया मैंने इसको, एच, इसको मैंने लिख दिया एच। ओके, यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इस एंगल की बात करेंगे तो एक्स और सी एच Z, ये क्या बना रहे हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल बना रहे हैं आपके ये, इसको मैं यहां पर भी कोई पॉइंट नहीं तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको G। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल X इक्वल टू, सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट फिर आ रहा है X, और यहां पर कोई एंगल हमको गिवन नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया जेड एक्स, सॉरी है ना। अब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है, तो आप यहां क्या लिख देंगे, सी एच जेड, सी एच जी। ओके, तो ये एंगल एक्स इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल क्या बना, सी एच जी, इस टाइप से फॉर्म हो गया। तो एंगल सी एच जी इक्वल हो गया, और ये एंगल और ये एंगल कैसे अल्टरनेट एंगल है, और सी एच जी किसके इक्वल है, एंगल जेड। ठीक है, तो ये रीजन में आप क्या लिखेंगे, सी एच जी को इक्वल हो गया, तो फिर कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर सी एच जी और ये एक्स इसके इक्वल कैसे हो जाएगा, सी एच जी इक्वल टू एंगल जेड, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे हो जाएंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर, तो सी एच जी, सी एच जी एक्स इसके इक्वल है, सी एच जी इसके इक्वल है, देयरफॉर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के, मतलब एक्स और जेड दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो। इज दैट क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3:7, तो हम क्या करेंगे यहां पर, वाई की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 3k, और जेड की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 7k। k के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में लिख सकते थे, बट एक्स ऑलरेडी आपको गिवन है, एक्स ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, सॉरी ये दोनों मिलके एक्स एंड वाई, ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो एंगल से ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, कैसे एंगल है ये, सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइड, अगर पैरेलल लाइंस हो तो इनका जो सम होता है वो कितने डिग्री हो जाता है, 180। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्यों लिखा हमने इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये x एंड y ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, x और z तो इक्वल है, तो यहाँ z x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, हम z पुट कर देंगे, z प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब z की वैल्यू कितनी मानी हमने, 7k, तो यहाँ लिख देंगे 7k, y की वैल्यू कितनी मानी है, 3k इक्वल टू 180 डिग्री।
इस टाइप से मैंने लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ, प्लेस नहीं है तो अभी आपने लिख लिया होगा इसको। सेवन क्या होती है, कितने हो जाएंगे आपके टेन के, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180/10। जीरो से जीरो कैंसिल, के की वैल्यू 18। के की वैल्यू आपकी 18 आ गई। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइंड एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो हम यहाँ जेड के प्लेस पे कितना लिख देते हैं हम, सेवन के, तो सेवन इंटू 18। सेवन में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, 126। कितना आएगा आपका, 126। और एक्स और जेड दोनों इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 126। ओके, हमको सिर्फ उन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, जेड की, तो हमने एक्स की, ये वाई की नहीं बोला, तुमने वाई की फाइंड आउट नहीं करी। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको ये फिगर्स दे रखा है, वाई जेड का रेशियो भी दे रखा है और एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स के लिए चेक करेंगे, एक्स और ये जो एंगल बन रहा है सी एच जेड, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसके इक्वल हो गया, जेड के। फिर उसके बाद रेशियो आपको गिवन है, तो रेशियो डायरेक्टली भी लिखते 3:7, उसके आगे हमको नंबर राइट करना पड़ता है, तो हमने लिख दिया 3 के और जेड की वैल्यू 7 है इसके ऊपर। अब ये दोनों का सम कितना होता है, 180, क्योंकि इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। ओके, अब उसके बाद में एक्स और जेड इक्वल है, एक्स के प्लेस पे जेड पुट कर प्लस वाई इक्वल टू 180, जेड की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3 है। इन सबको सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू से हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जेड और के दोनों इक्वल है, जेड और एक्स, तो जो एक्स जेड की वैल्यू आएगी वही एक्स की वैल्यू आएगी। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। थैंक्स।